लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीव नेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम सीताराम चरण रति मोर
अनुदिना बढ़ाओ अनुग्रह तो राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम पिता रामचंद्र स्वामी राम मत सखा राम चंद्र सर्वस्वम मे रामचंद्रो दयालु नार्यं जाने नैव जाने न जाने बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकीन है जग का कलि समुद्र बूढ़त लखे प्रगट सप्त जहाज सियरा सब जग जानी करा
अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघव जी को प्रणाम। बोध भावन भगवान शिव जी, श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार वंदन। इस ग्राम हीर मकरियार की पावन धरा धाम पर नौ कुंडीय विष्णु महायज्ञ के साथ साथ चल रही इस नौ दिवसीय श्री राम कथा के हम और आप आज अष्टम सत्र में यहां पर सभी लोग उपस्थित भए हैं। बड़े भैया श्रीमान डॉक्टर उदयेश्वर कुमार सिंह जी के संकल्प का परिणाम इस स्वरूप का हम और आप दर्शन कर रहे हैं। यज्ञ के मुख्य अध्यक्ष के रूप में अद्वैत आश्रम बेंगलुरु से आए प्रातः स्मरणीय परम पूज्य स्वामी श्री अद्वैतानंद सरस्वती जी महाराज, सासाराम से चलकर आए पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज, इस विष्णु महायज्ञ के यज्ञाचार्य के स्वरूप में दक्षिण भारत से आए प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री नागराज भट्ट जी एवं पूज्य श्री विनय भट्ट जी अन्य विप्र चरणों के साथ यहां उपस्थित भए हैं। आसपास दूर से कथा में उपस्थित आप समस्त कथा के रस रसिक श्रोताबंधु माताएं बहने, हमारी अपनी बाल मंडली, कल सप्तम सत्र में हमने और आपने कथा में गाया श्रवण किया भैया भरत। श्रीधाम अयोध्या से सबको लेकर भगवान से मिलने हेतु चलते चलते श्रृंगवेरपुर, तीर्थराज प्रयाग और पूरे समाज के साथ भरत भैया चित्रकूट में मंदाकिनी जी के तट पर पहुंचे हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी भाव स्वरूप में अपने आप को गोस्वामी तुलसीदास जी के ही पास रखते हैं। मार्ग में राम जी जब चित्रकूट गए तो अनेक कुल भील मिले, भगवान से कहे प्रभु ये वन हमारा देखा हुआ है, जहां तक आप कहेंगे हम आपको लेके चलेंगे। परंतु राम जी ने किसी को साथ में लिया नहीं, सबको विदा करते गए। और ठीक इसके विपरीत भरत भैया जब चित्रकूट की ओर बढ़े तो मार्ग में जितने कोल भीलों ने आकर भरत जी से कहा भरत जी हम भी साथ में चले, तो भरत जी ने किसी को विदा नहीं किया, जो भी आया उसको साथ में लेकर चलते हैं। ये साधु का स्वभाव है। साधु कौन? जो अपने शरीर को, अपने जीवन को मनसा वाचा कर्मणा साध चुका है वो साधु है। जिसने अपने व्यवहार को साध लिया है वो साधु है। और साधु का एक ही काम, देखिए मैं आपको सुंदरकांड में ले चलूं। श्रीहनुमान जी महाराज मैया का अन्वेषण करने के लिए सुंदर नाम के पर्वत से छलांग लगाए, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर चले। मार्ग में समुद्र नारायण के कहने पर मैनाक पर्वत जो समुद्र के भीतर थे वो श्री हनुमान जी के विश्राम करने के लिए समुद्र से बाहर निकले और कहा हनुमान जी बहुत दूर जाना है, आप थोड़ी देर मेरे ऊपर विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान ते ही पर सा कर तब पुनि कीन्हा प्रणाम, और बोले राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम।
श्री हनुमान जी से मैनाक पर्वत ने कहा कि हनुमान जी आप मेरे ऊपर थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी हाथ से स्पर्श करके प्रणाम किए। क्यों? मैनाक पर्वत हनुमान जी के पिता पवन देव के मित्र हैं। पिता का मित्र पिता के समान होता है। अस्तु श्री हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को आदर दिया, स्पर्श करके प्रणाम किया और कहा, मैनाक जी विश्राम राम काज कीन है बिनु मोहि कहां। विश्राम, बिना भगवान का कार्य पूर्ण किए मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। अब दर्शन करिए। श्री हनुमान जी महाराज लंका पहुंचे। अच्छा आप बताओ, राम जी ने कौन सा काम सौंपा था हनुमान जी को? सीता जी का, सीता ही देखी कहो सुधी आई। श्री जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा कि यही राम जी का कार्य है कि आप जाइए सीता जी को देखकर आकर भगवान को बताइए। मैनाक पर्वत से हनुमान जी बोले कि जब तक राम कार्य नहीं कर लेता मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। आगे दर्शन करिए। श्री हनुमान जी महाराज लंका गए, विभीषण जी महाराज मिले। विभीषण जी से परिचय हुआ हनुमान जी का। विभीषण जी ने प्रश्न किया, हनुमान जी क्या भगवान कभी मेरे पर कृपा करेंगे? ये देखिए, मैं आपसे निवेदन करूं, विभीषण जी महाराज की ये बात ठीक नहीं है। भक्त को जीवन में कभी अविश्वास में नहीं जीना चाहिए। विभीषण जी कह रहे हैं कि क्या कबो हमारा ऊपर कृपा हुई, ये अविश्वास नहीं है तो और का है। हनुमान जी बोले कृपा हुई, कृपा होगी कि कृपा बरस रही है आपके ऊपर। अब यहां हनुमान जी ने विभीषण जी ने कहा, विभीषण जी से कहा, हे विभीषण जी आप अपनी बात करते हैं, आप तनिक एक बार मुझे तो देखिए। कहो कवन मैं परम कुलीना कपि चंचल सब ही विधि ही। श्रीमान जी कहते हैं कहिए मैं कौन से बहुत बड़े खानदान से आया हूं। कपि हूं, चंचल हूं, सब प्रकार से हीन हूं। प्रातः काल प्रात ले जो नाम हमारा तेहि दिन ताहि न मिलई आहारा। सरकार यहां पर मानस में टीका में लिखा गया है कि हनुमान जी कह रहे हैं कि प्रातः काल जो हमारा नाम ले ले उसको दिन भर भोजन मिलने वाला नहीं है। ऐसा है क्या? तो हनुमान जी क्यों बोल रहे हैं, यहां दर्शन करिए। श्री हनुमान जी चाहते हैं कि जो भगत है वो हनुमान का नाम न ले, वो सवेरे जगे तो राम जी का नाम स्मरण करे। इसलिए कहते हैं कि मेरा नाम लीजिएगा तो भोजनों नहीं मिलेगा, मेरे नाम में न फंसा जाए भगवान के नाम में फंसा जाए। और आगे श्रवण करिए। हनुमान जी बोले असमय अधम सखा सुनो। कहते हैं विभीषण जी मेरे जैसे अधम पर भी भगवान की कृपा हो गई है तो आप पर तो कृपा दिन रात बरस रही है, आप विश्वास में रहिए। और इतना कहने के बाद हनुमान जी महाराज पावा अनिर्वाच विश्राम। अनिर्वाच्य यानी जिसकी व्याख्या न की जा सके। इतना हनुमान जी विभीषण जी को सुनाए और सुनाने के बाद गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी महाराज परम विश्राम को प्राप्त कर गए। अभी कह रहे थे कि राम जी का काम पूरा नहीं करूंगा तब तक विश्राम नहीं लूंगा, अब विभीषण जी से बात करने के बाद विश्राम ले लिए, ये कैसे हो गया? वो क्या राम जी का कार्य पूर्ण हो गया?
कहिए कहीं सब है, नहीं हुआ तो हनुमान जी ने विश्राम क्यों ले लिया? भगवान का कार्य पूर्ण हो गया। भगवान का कार्य ये नहीं था कि सीता जी को देख कर आइए, भगवान तो जानते हैं कि सीता जी अग्नि में बैठी हैं, लंका में नकली सीता जी गई हैं। भगवान का वास्तविक कार्य यही है कि संसार में रहने वाले जीव का, जिस जीव का विश्वास भगवान में कमजोर है, उस जीव के पास जाकर भगवान का स्वभाव बताया जाए और विश्वास को और दृढ़ बना दिया जाए, यही भगवान का कार्य है, यही साधु का कार्य है। संसार में घूमता रहे और जो जीव संसार में फंसा है उसको अपने समाज में जोड़कर और भगवान के चरणों तक पहुंचा जाए, यही साधु का व्यवहार है जो भरत भैया ने किया। अस्तु गोस्वामी तुलसीदास जी भी जानते हैं कि भगवान के पास पहुंचना है तो भरत जी को पकड़ना पड़ेगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी मानसिक स्वरूप से कहते हैं, उहा राम रजनी अवशेषा, जागे सिया सपन अस देखा, जागे सिया सपन अस देखा, सहित समाज भरत जनु आए, सहित समाज नाथ वियोग पाप तन ताए, नाथ वियोग पाप तन ताए, सुनि सिया सपन भरे जल लो, भय सोच बस सोच विमोचन, भय सोच बस सोच विमोचन, भय सोच बस सोच विमोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उहां राम रजनी अवशेषा, वहां पर, कहां पर? चित्रकूट में। तो गोस्वामी जी कहां हैं? यहां पर। यहां कहां? तो भरत भैया के पास। अपने आप को भरत जी के पास रखकर गोस्वामी जी कहते हैं, चित्रकूट में रात्रि बीतने के बाद प्रातः काल सीता मैया जगी और जगने के बाद राम जी से कहती है, प्रभु मैंने स्वप्न देखा है कि भरत जी आ रहे हैं, वियोग के कारण शरीर दुर्बल हो गया है, माताएं हैं, माताओं का स्वरूप मंगल दर्शन नहीं भया। राम जी सुने तो कहे, सीता भोर बेला का स्वप्न कहीं सत्य न हो जाए। अस्तु राम जी लक्ष्मण जी को लेकर भगवान शंकर के पूजन में बैठ गए। पूजन करने के बाद मुनियों का आदर सत्कार करके भगवान अभी बैठे ही थे, तब तक अचानक उत्तर दिशा की आकाश में पक्षी चहचहा कर भागने लगे। भगवान आश्चर्यचकित भय और एक कोल ने आकर राम जी से कहा, राम जी भरत जी आपसे मिलने के लिए आ गए। ऐ जैसे भगवान सुने, बाबा कहते हैं, सुनत सुमंगल बै मन प्रमोद तन भूल शरद सरोरुहन तुलसी भरे सने हजर। आकर
कोल ने राम जी से कहा, राम जी भरत जी आ गए हैं। भगवान सुने सुनते राम जी आनंद में आ गए। भगवान के सारे शरीर के रोम पुलकित हो गए, नेत्र से अश्रु निकलने लगे, परंतु अगले क्षण भगवान उदास भय। उदास क्यों भय? राम जी आज तक भरत जी को कभी जीवन में ना नहीं बोले, आज तक कभी। कबहू न कीन मोर मन भंगू, भरत जी कहते हैं। भगवान सोचने लगे, यदि भरत जी आकर कह दें कि भैया बस बहुत हो गया, वापस चलिए, तो मैं पिताजी का वचन बचाऊंगा कि भाई का प्रेम बचाऊंगा, मैं करूंगा क्या? इत पित बच उत बंधु सकोचू। जैसे भगवान दुविधा में फंसे, तब तक अचानक भगवान को भरत जी का स्वभाव स्मरण में आया। स्वभाव क्या? भरत कहे महु साधु सयाने। जीवन में स्वभाव को जानने का स्वभाव बनाइए। बात समझ में आ रही है? स्वभाव को जानने का स्वभाव बनाइए। किसके स्वभाव को? जिसके साथ रहना है उसके स्वभाव को। स्वभाव यदि समझ में आ गया, फिर व्यवहार में कठिनाई आने वाली नहीं है। कठिनाई जन्म ही लेती है कि हम स्वभाव नहीं समझते। जिस संबंध का कोई विकल्प नहीं है, जीवन में जिस संबंध का कोई विकल्प नहीं है, उस संबंध के स्वभाव को जानने का स्वभाव बनाइए। स्वभाव समझ में आ गया, फिर जीवन भर कष्ट नहीं होगा। राम जी दुविधा में फंसे तो भरत जी के स्वभाव का चिंतन किए। क्या चिंतन हुआ? भरत कहे महु साधु सयाने। भरत जी के जीवन का वैशिष्ट्य ये है कि भरत जी राम जी की आज्ञा का ही पालन करते हैं। भरत जी अपने मन से जीवन में कुछ नहीं करते। आपके घर के परिवार में यदि कोई आपकी आज्ञा से चल रहा है, तो ये आपके जीवन का सौभाग्य है। परिवार में कोई यदि आपकी बात सुन के व्यवहार कर रहा है, आप भाग्यशाली मानिएगा अपने आप को। हम तो कहते हैं कि आप ये प्रतीक्षा मत करिए कि कोई हमारी बात मान के रहे। आप जिनके हैं, आप उनकी बात मानकर रहना प्रारंभ कर दीजिए। नीचे वाले आपको देखकर वो आपकी बात में आ जाएंगे। हम भी तो किसी के हैं, परंतु आदमी आजकल अपनों की तो चिंता करता है, लेकिन वो जिसका अपना है उसकी चिंता नहीं करता। ये बतिया बुझाता, अपनों यानी बाल बच्चा, ये हमारे हैं, इनके लिए करना है। अरे आप भी तो किसी के हैं, उनकी कौन चिंता करेगा? ये तरीका गलत है। हम नीचे देखना प्रारंभ कर दिए हैं। नीचे देखना प्रारंभ बंद करिए, ऊपर देखना प्रारंभ करिए। यदि आप अपने माई बाप का ध्यान रखना प्रारंभ करेंगे, तो आपकी संतान आपका ध्यान रखना प्रारंभ करेगी। आप यदि अपने बच्चों के बारे में केवल सोचेंगे, तो आपके बच्चे आपके बुढ़ापे में अपने बच्चे के बारे में सोचेंगे, आप घंटी बजाएंगे। यहां राम जी कहते हैं, भरत जी मेरे कहने में है। भरत जी कल भी वही करेंगे जो मैं कहूंगा, आने दो। यहां लक्ष्मण जी को आवेश आ गया। लक्ष्मण जी सोचे कि भरत वन में सेना लेकर भैया राम से युद्ध करने आ रहे हैं, निकाल लिए बाण मार दूंगा। किसको मार दूंगा? भरत शत्रुघ्न दोनों को मार दूंगा। यहां तक बोल दिए, शंकर भी सहायता करने उतर गए, तो मेरे बाण से कोई बचाएगा नहीं भरत को आज। ऐ आकाशवाणी भाई, आकाशवाणी ने खूब जय जयकार किया भरत जी का, और धीरे से कहा, भरत लक्ष्मण जी, बुद्धिमान व्यक्ति कोई व्यवहार करने से पहले 100 बार विचार करता है। सहसा करे अपाचे पछताहि।
कहीं वेद बुध ते बुध नाही। जीवन में जब आवेश आवे तो प्रयास करिए कि मौन हो जाए। हमारे एक चाचा हैं, वो कहा करते कि बाबू देखो, क्रोध में कौन सी उंगली सामने आती है? कहीं कहीं सब है ये वाली, थोड़े में ना तहरा के देख ले, ये वाली उंगली ये अहंकार है। ये क्या है? अहंकार है। और ये ब्रह्म है। जब क्रोध आवे तो अहंकार को ब्रह्म की शरण में ले के चलिए, अर्थात इस वाली उंगली को इस अंगुष्ट के मूल में स्पर्श कराइए। जैसे क्रोध बढ़ना शुरू हो दोनों हथवा के ऐसे कर लीजिए, ऐसे जैसे करेंगे धीरे धीरे आपका क्रोध शांत होगा। क्यों? ये खाली रही तब नहेगा उठी, ऐसे थोड़े करेंगे छोड़ दे, छोड़े में ना तहरा के है? इसको यहां ले आइए ब्रह्म के मूल में। हमारे महाराज जी कहा करते हैं कि जब बहुत आवेश आ जाए तो मौन धारण कर लो, उस समय कोई निर्णय न लिया जाए। क्यों? आवेश में लिया हुआ निर्णय केवल अपना ही नुकसान करता है, और अति प्रेम में दिया हुआ वचन भी केवल अपना ही नुकसान करता है। आदमी जब बहुत प्रसन्न हो जाता है तो कहता है कहो कहो हम जान दे दें, और कहीं जान मांग दिया तो आप प्रेम में कह दे कि जान दे दें, और चूहा मारने वाली दवाई लाकर कहा तो नहीं पी के दिखाई ना, पिएंगे? प्रेम में वचन से बचा जाए, आवेश में निर्णय से बचा जाए। आकाशवाणी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी बुद्धिमान व्यक्ति व्यवहार करने से पहले विचार करता है। राम जी ने भी कहा, लक्ष्मण तुमने बिल्कुल ठीक कहा, राज मद सबसे कठिन मद है, लेकिन आप कह रहे हैं कि अयोध्या की सत्ता प्राप्त करके और भरत को अभिमान हो गया है। मैं कहता हूं मेरे भरत को यदि ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पद प्राप्त हो जाए, उसके बाद भी भरत को जीवन में कभी अभिमान आने वाला नहीं है, ये मेरा भरत जी पर विश्वास है। सिरके की बूंद से तसली का दूध फट सकता है, परंतु सिरके की बूंद से दूध का समुद्र नहीं फट सकता है। भरत जी अगाध समुद्र हैं। लक्ष्मण जी को अपने द्वारा किए गए व्यवहार पर संकोच हुआ है, मानसिक क्षमा याचना करते हैं। इधर भरत भैया प्रातः काल गुरुदेव से एवं माताओं से विदा लेकर अनुमति प्राप्त करके राम जी से मिलने निषाद राजगुरु और शत्रुघ्न भैया के साथ चले हैं। निषाद राजगुरु भरत जी को भगवान की कुटिया के द्वार पर लेकर आए, और भरत जी उसी कुटिया के द्वार पर दोनों भुजाओं को ऊपर करके पाहिनाथ कहे पाहि गोसाई, भूतल पड़े ललकुट की नाई। पाहिनाथ पाहिनाथ कहके भरत जी वहीं द्वार पर गिर पड़े। अब यहां पर एक व्यवहार समझिएगा, भरत जी के इस आर्त पुकार को सुनने के बाद भी भगवान अपने स्थान से उठे नहीं, बैठे रहे। क्यों? मानो लक्ष्मण जी से भगवान कहना चाहते हो, लक्ष्मण ये वही भरत जी हैं जिनको आप मारने के लिए जा रहे थे, मुझे बुला रहे हैं, अब जब तक लक्ष्मण आप नहीं कहोगे मैं भरत को उठाने वाला नहीं हूं। राम जी वहीं बैठे रहे। भरत जी के कान में, लक्ष्मण जी के कान में भरत जी की आवाज गई। लक्ष्मण जी ने धरती पर सिर को रखकर प्रणाम किया और कहा, प्रभु भैया भरत प्रणाम करत रघु
जैसे लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु भरत जी प्रणाम कर रहे हैं, राम जी दौड़ कर गए भरत जी के पास। भगवान का वेग इतना था कि भगवान के शरीर से पटका, हाथ से धनुष बाण, कमर का निसंग, ये चारों भगवान के शरीर से वहीं गिर गए। कहां? जहां लक्ष्मण जी खड़े थे। क्यों गिर गए? यहां दर्शन करिए। भगवान भरत जी के पास गए तो धनुष बाण पटका निसंग चार वस्तु गिरे। भरत जी भी राम जी के पास आए तो तीर्थराज प्रयाग में चार वस्तु छोड़कर आए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। प्रसंग कहता है जितना त्याग करके आप राम जी के लिए दौड़ेंगे, भगवान भी उतना त्याग करके आपके लिए दौड़ जाएंगे, इसलिए चारों के चारों गिर पड़े। प्रभु गए और जाकर भगवान ने बरबस भरत जी को उठाया। बरबस लिए उठाए उरलाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनी लखी बिसरे सब अपार। भरत भैया धरा पर गिरे हुए हैं, राम जी गए लगे उठाने, भरत जी उठ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं उठ रहे हैं? कई कारण है। एक कारण तो ये है, भरत जी मन में सोचते हैं कि अब मैं भैया को अपना मुख दिखाने लायक नहीं रखा, मेरे कारण मेरे प्रभु को वन में आना पड़ा। और दूसरी बात, लक्ष्मण जी जब भगवान राम के साथ चले तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा था कि लक्ष्मण जाकर पहले मां सुमित्रा जी से विदा मांग कर आओ। तो लक्ष्मण जी अपनी मां सुमित्रा के पास विदा मांगने गए, जाकर पूरी बात बताएं, कहें मां भैया वन में जा रहे हैं, आज्ञा दीजिए मैं भी भैया के साथ वन में जा रहा हूं। तो उस समय मां सुमित्रा ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण राम कभी अयोध्या का त्याग नहीं कर सकता। लक्ष्मण जी बोले भैया तैयार खड़े हैं जाने के लिए, आप कह रहे नहीं कर सकता। मां बोली कुछ भी हो जाए राम अयोध्या नहीं छोड़ सकता। लक्ष्मण जी बोले मां भैया जा रहे छोड़ के। सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण ये बताओ सूर्य नारायण किधर निकलते हैं? आप लोगों को पता है सूर्य किस दिशा में आते हैं? हां जोर से बोली ना, सूर्य पूरब में नहीं निकलते माय बाप, सूर्य जिधर निकल जाते हैं उसी को पूरब कह दिया जाता है। पूर्व दिशा से सूर्य का परिचय नहीं होता, सूर्य से पूर्व दिशा का परिचय होता है। यदि कल से सूरज इधर निकल जाएंगे तो कल से ये पूरब कहलाएगा। मां सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण उसी प्रकार राम अयोध्या में नहीं रहते, राम जहां रहते हैं उसी को अयोध्या कहा जाता है। यदि कल से राम वन में जाके रहने लगेंगे तो वो वन अयोध्या बन जाएगा और ये अयोध्या वन से भी बिहड़ हो जाएगा। मां ने लक्ष्मण जी को अनुमति दी और उसके बाद एक बात कही, लक्ष्मण आज के बाद से अब मैं तुम्हारी मां नहीं रही। तो लक्ष्मण जी ने कहा मां मेरी मां कौन? तो सुमित्रा जी ने कहा लक्ष्मण तात तुम्हारी मातु बैले पिता राम सब भांति सने। सुमित्रा मैया ने कहा लक्ष्मण जी से कि लक्ष्मण आज के बाद सीता ही तुम्हारी मां है और राम ही तुम्हारे पिता हैं। भरत जी आए अयोध्या, सुमित्रा मैया की बात सुने तो उसी दिन से भरत जी भी सीता जी को अपनी मां मान ली। आपको बताऊं जीवन पर्यंत
भरत जी ने कैकेयी जी को कभी मां नहीं बोला पूरे जीवन। एक दिन एक महात्मा जी कह रहे थे कि राम जी राजा बनने के बाद एक दिन बैठकर रो रहे थे। भरत जी सुने कि भैया रो रहे हैं तो दौड़ कर गए जाकर प्रभु, कहे प्रभु कहीं मेरे से कोई अपराध तो नहीं हो गया है, कहिए जो आज्ञा दीजिएगा मैं करूंगा। राम जी बोले मैं जो बोल दूंगा वो कर दोगे भरत? भरत जी बोले प्रभु जो आज्ञा दीजिएगा करूंगा, लेकिन एक काम नहीं करूंगा, मैं कैकेयी को कभी जीवन में मां नहीं बोलूंगा। भरत जी कभी मां नहीं बोले उस घटना के बाद। जब सुमित्रा जी की बात सुने तो अब भरत जी सीता मैया को अपनी मां मान चुके हैं। और सीता मैया की माई कौन है? कहिए, धरती मैया। तो धरती मैया भरत जी की क्या हो गई? हाँ, नानी। भरत जी की मां सीता जी, सीता जी की मां धरती मैया, तो धरती मैया भरत जी की नानी हो गई। आज जब चित्रकूट में भरत जी धरती पर गिरे हैं तो स्वयं धरती मैया ने ही भरत जी को बाहों में पकड़ लिया है कि भरत जी तुम जैसे नाती को प्राप्त करके वसुंधरा भी धन्य हो गई है, मैं बड़भागी हो गई। इसलिए राम जी उठा रहे हैं और भरत जी उठ नहीं रहे हैं, क्योंकि धरती जी ने पकड़ा है, बरबस प्रभु ने उठाया और उठाकर भरत जी को हृदय से लगाया। आज भरत जी और राम जी के इस मिलन को देखकर पूरा समाज रोने लगा। गोस्वामी जी तो यहां तक कहें कि इस प्रेम का दर्शन करके उस समय वहां के पत्थर पिघलने लगे, और वो पिघले हुए पत्थर आज भी चित्रकूट में है, मैंने दर्शन किया है, कभी अवसर मिले तो जाकर दर्शन करिएगा। हाँ, अब सोचिए जिस प्रेम का दर्शन करके पत्थर द्रवित हो गए, वहां जो जीवित होंगे उनकी क्या दशा होगी। राम जी जाकर पूरे अयोध्या के समाज को चित्रकूट में लेकर आए हैं। चित्रकूट में कुल 5 बैठकी भई है। पहले बैठकी में गुरुदेव भगवान ने राम जी को बताया कि राम आपके वियोग में आपके पिताजी चले गए, भगवान बहुत रोए हैं। अगले दिन ज्येष्ठ पुत्र को पिता के निमित्त जो व्यवहार करना चाहिए भगवान ने किया। दूसरी बैठकी अयोध्या वासियों ने आपस में की। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने अपना मत सुनाया, कहा देखिए मैं एक बात सबसे कहना चाहता हूं, उसको आप ध्यान से समझिएगा। राम जी वन में रहें चाहे राम जी अयोध्या में रहें, राजा राम जी ही है। राजा राम स्वबस भगवानु। क्यों राम राजा है? क्योंकि राम भगवान है। गुरु जी ने खोल के रख दिया। गुरु जी ये भी बताएं कि ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य चंद्रमा पवन अरुण वरुण कुबेर पावक दिग्पाल सब राम की आज्ञा का पालन करते हैं। ब्रह्मांड में किसी की क्षमता नहीं कि जो राम जी की वचन का त्याग कर दे। यदि हमसे उपाय पूछा जाए तो मैं यही कहूंगा कि राम जी की आज्ञा का पालन किया जाए, ये मेरे अनुसार। अब आप लोग कहिए क्या किया जाए। तो भरत जी कहे गुरुदेव आप हमसे उपाय पूछ रहे हैं, आज तक घर की विपत्ति को आपने संभाला। गुरु जी बोले भरत उपाय तो एक है मेरे पास, यदि आप और शत्रुघ्न वन में रहने को तैयार हो जाएं तो मैं राम सीता लक्ष्मण को लेकर वापस चला जाऊंगा। बुद्धिमान व्यक्ति देखता है कि सर्वस्व समाप्त हो रहा है तो आधे में संतोष कर लेता है, यदि पूरा बचाने जाएगा तो जो आधा बच रहा था वो भी डूब जाएगा। कई आदमी किसी को उधार दे देते हैं ना, सजिए 10,000 रुपया। अब 10,000 रुपया उधार तो दे दिए, एक महीना बाद उस आदमी ने फिर कहा 5,000 रुपया और ही हो जाई। अब ये सोचता है कहीं माना कदम तो 10,000 डूब जाई, तो उस 10,000 के लालच में 5,000 और देता है। पहले तो 10,000 डूब रहा था, 15,000 डूबेगा। बुद्धिमान व्यक्ति देखता है सर्वस्व जा रहा है तो आधे में संतोष कर लेता है। गुरु जी ने कहा यदि आप दोनों भाई वन में जाने को तैयार होंगे तो मैं सीता राम लक्ष्मण जी को लेकर वापस चला जाऊंगा। भरत जी बोले गुरुदेव यदि मेरे वन में जाने से भैया वापस चले जाएंगे तो मैं 14 वर्ष के लिए वन नहीं जाऊंगा गुरु जी, मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं, मैं लौट कर अयोध्या आऊंगा ही नहीं।
भरत जी की इस बात ने गुरुदेव भगवान के मति को झकझोर के रख दिया। लेकर गए राम जी के पास, कहे राम ये तीसरी बैठकी अब। बोले राम आप ही निर्णय लो। राम जी बोले गुरुदेव आप आज्ञा दीजिए। गुरु जी बोले तुम्हारे भरत के प्रेम ने विचार करने की शक्ति को समाप्त कर दिया है। राम जी बोले ठीक है, भरत जी जो कहेंगे हम कर लेंगे। तो गुरु जी ने कहा भरत जो जो कहना है कह दो। भरत जी खड़े होकर बोले भैया अरे हमार भैया जी हो हमार भैया जी हमके बन रहे द घरे जा हमार भैया जी हमके बन रहे द घरे जा हमार भैया जी हमके बन रहे द घरे जा हमके बन रहे द घरे जा। राम जी बोले कैसे रहोगे आप अकेले वन में। भरत जी बोले अकेले नहीं रहेंगे, शत्रुहन संग हो बन में रहब हरदाम शत्रुहन संग हम बन में रहब हरदाम शत्रुहन संग हम बन में रहब हरदाम भाई के दुलार ए हमार भैया जी राखी भाई के दुलार ए हमार भैया जी हमके बन रहे द घरे राम जी मना कर दिए आपको वन में नहीं रहने दूंगा। तो भरत जी कहे प्रभु एक बात नाही मन बे नाथ हमरो के राख सा जैसे तीन वैसे चार हे हमार भैया जी जैसे तीन वैसे चार हे हमार भैया जी हमके बन रहे द घरे जा हमार भैया जी हमके अरे हमके बन रहे द घरे हमके बन रहे द घरे जा। भरत जी अपनी बात कह दिए प्रभु तीन बात, लक्ष्मण को वापस करिए मुझे साथ में रख लीजिए, दूसरी बात हम दोनों भाई वन में जा रहे हैं आप तीनों वापस चले जाइए, तीसरी बात हम लक्ष्मण शत्रुघ्न तीनों वन में रहने को तैयार हैं
आप मैया को लेकर वापस चले जाइए। अब भरत जी ने जब ये तीन बात रखी तो राम जी दुविधा में पड़ गए, अब मैं क्या करूं। देखिए दो ही बात, यदि हमारे बड़े को, हमारे श्रेष्ठ को हमसे कुछ कहने के पहले सोचना पड़ रहा है तो यह हमारे जीवन का दुर्भाग्य है। पिता को पुत्र से कुछ कहने के लिए सोचना पड़ रहा है, यह पुत्र का दुर्भाग्य है। हमारे पूज्य महाराज श्री के परिकर बाबूजी अब नहीं रहे, बिहार के भागलपुर के पास हम लोग कथा में गए थे, बच्चों की अवस्था 45 साल 50 साल की थी, बाबूजी 85 वर्ष के थे। तो एक दिन महाराज श्री कमरे में बैठे थे और वो दोनों बच्चे जो 45 साल 50 साल के उनके दो बच्चे थे, दोनों कमरे में अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए और आकर बोले, महाराज जी बाबूजी को समझाइए ना, किसी के सामने गाली दे देते हैं, किसी के सामने डांट देते हैं, किसी के सामने बेइज्जत कर देते हैं। महाराज जी सुन के मुस्कुराते रहे। जब वो दोनों बच्चे चले गए, एक घंटे बाद बाबूजी आए तो महाराज जी ने कहा कि बाबूजी आप बच्चों को डांटते हैं क्या, आए थे क्या आपसे बोलने? बाबूजी बोले, बच्चे आए थे क्या मेरा कंप्लेन करने? बोले, महाराज मैंने पैदा किया है और मेरा अधिकार है कि मैं बीच चौराहे पर भी डांट सकता हूं, बोल सकता हूं, मैं पिता हूं। बोले, मैं अपने बच्चों को डांटने के लिए पूछूंगा कि डांटू कि ना डांटू? मैं बाप हूं और मेरा अधिकार है उनको डांटना। उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, पिता का अधिकार है हमको डांटना है। जीवन में जब कोई डांटने वाला नहीं रहता है ना, तब उसकी कमी का पता चलता है। माय बाप, जब कोई हमारी गलतियों पर हमको डांटने वाला ना हो, जीवन में ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए कि हमारे बड़े को हमारे व्यवहार से संकोच हो जाए। जीवन में ऐसा आचरण नहीं रखना चाहिए कि हमारे बड़े को हमसे कहने के पहले सोचना पड़े कहीं कि ना कहीं। यदि बड़े को सोचना पड़ रहा है यानी हमारे व्यवहार में कोई कमी है। अभी यहां भरत जी ने तीन बात रखी और भरत जी के तीनों बात को सुनकर राम जी को सोच हो गया, अब मैं क्या कहूं। और जैसे भरत जी भगवान का स्वरूप देखें, हाथ जोड़ लिए, कहे, भैया मैंने जो कहा सब भूल जाइए प्रभु, मैंने कुछ नहीं कहा नाथ। प्रभु जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जेहि विधि प्रभु, भरत जी कहते प्रभु जिसमें आपका मन प्रसन्न हो आप प्रभु वही निर्णय लीजिए। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। प्रभु जो आपको पसंद हम वही बात करेंगे, हमने कुछ नहीं कहा नाथ, जो आपको उचित लगे आप निर्णय लीजिए। भगवान राम सोच में पड़ गए, मैं क्या कहूं भरत। उसी समय जनक जी महाराज के सेवकों ने आकर कहा, प्रभु मिथिलेश पूरे समाज के साथ मंदाकिनी जी के किनारे आ गए हैं। राम जी ने पूछा, मिथिला में सब कुशल है ना? दूत रोने लगे, कहे, प्रभु मिथिला का कुशल तो महाराज दशरथ के साथ ही चला गया। महाराज गए तो मिथिला का कुशल भी लेके चले गए। जनक जी महाराज अपने आप को रोक नहीं पाए। आपको यहां एक अंतरंग कथा सुनाऊं, मानस में लिखा है, दूतों ने राम जी से पूरी वृत्तांत को सुनाया। दूत कहते, प्रभु जब पता चला कि कैकेयी जी ने भरत जी के लिए राजगद्दी मांग लिया राम जी के लिए बनवास, तो महाराज जनक को लगा कि भरत जी की भी सहमति है इसमें।
ये भरत जी की मिली भगत रचना है, पूरा मिथिलावेश में आ गया। किसी ने तो यहां तक कह दिया कि चढ़ाई कर दो अयोध्या पर, परंतु जनक जी ने कहा नहीं, पहले जाकर वहां की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाए। तो जनक जी ने अपने दो गुप्तचरों को वेश बदल कर भेजा अयोध्या में। मिथिला के दो गुप्तचर अयोध्या गए, और जिस समय अयोध्या में महाराज के तिरही के बाद श्रद्धांजलि सभा बैठी थी, उस सभा में मिथिला के दो गुप्तचर भी बैठे थे। गुप्तचरों ने देखा, सबने कहा भरत जी से कि भरत जी आप राजा बन जाइए। भरत जी बार बार कहते रहे, भरत राजा बनने के लिए जन्म नहीं लिया है, भरत अपने भैया राम का सेवक बनने के लिए जन्म लिया है, मैं राजा नहीं बनूंगा। और जब जाकर गुप्तचरों ने मिथिला में भरत जी का चरित्र सुनाया, मिथिलेश भी विह्वल हो गए और रोक नहीं पाए, पूरा समाज लेकर जनक जी महाराज मंदाकिनी जी के तट पर आ गए। राम जी दौड़ कर गए, जाकर जनक जी के समाज को यथा योग्य स्वागत किया, दंड प्रणाम किया, लाकर उचित स्थान दिया है। चार दिन बाद सीता जी की मां सुनैना जी गई कौशल्या जी के पास। कौशल्या जी ने सुनैना जी से केवल एक बात कही कि आप जनक जी से कहिए कि महाराज ऐसा कुछ कर दें कि राम लक्ष्मण को छोड़कर भरत को अपने साथ में रख ले। आप दर्शन करिए, राम की मां कहती है कि मुझे राम की चिंता नहीं है, मुझे अपने पुत्र भरत की चिंता है, है? मोरे सोच भरत कर भारी। सुनैना जी ने समझाया, जाते समय सीता जी को अपने साथ लेकर गई हैं, और चक्रवर्ती जी महाराज ने जैसे सीता मैया को देखा, महाराज आनंद में डूब गए। मैया जानकी को हृदय से लगाकर जनक जी बोल पड़े, पुत्री पवित्र ये कुल दो, पुत्री पवित्र ये कुल दो, सुजस धवल जग कह सब को, सुजस धवल सबको, जिति सुर सरी की रति सरी तोरी, जिति सुर सरी की रति सरी तोरी, गमन की जनक जी महाराज ने जानकी जी को हृदय से लगाया और खूब दुलार करके कहा, बेटी आज आपने एक नहीं दो दो कुलों को पवित्र कर दिया। निमि कुल में जन्म लेकर आपने निमि कुल को पवित्र किया, रघुकुल की बहू बनकर आपने रघुकुल को पवित्र किया। जनक जी ने जानकी जी को दुलार किया, उनकी प्रशंसा की। सीता मैया थोड़ी देर रहने के बाद अनुमति मांगकर सासू माताओं की सेवा करने गई हैं। रात्रि में सुनैना जी ने जनक जी से कहा, प्रभु कौशल्या जी कह रहे थे कि आप ऐसा कुछ कर दे कि राम लक्ष्मण जी को छोड़कर भरत जी को अपने पास रख लेते। यहां दर्शन करिए भरत जी का चरित्र, इस प्रसंग में भरत जी का चरित्र दर्शन करिए। जनक जी महाराज सुने तो सुनैना जी से कहे, सुनैना सावधान सुन सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचन। कहते हैं भरत जी का चरित्र, भरत जी की कथा भव सागर के बंधन को खोलने वाली कथा है। जनक जी महाराज जैसा विरक्त महापुरुष कहता है कि मैं जनक, मेरे मन की गति ब्रह्म में है,
मैं वेदांत पर बोल सकता हूं, मैं ब्रह्म पर बोल सकता हूं जो निराकार है उसके विषय में बोल सकता हूं, मैं नीत का ज्ञान रखता हूं, मैं नीत पर भाषण दे सकता हूं। जो जनक ब्रह्म को जानता है, जो जनक वेदांत में निपुण है, जो जनक नीत में निपुण है, उस जनक से कहा जाए कि भरत जी की महिमा कहो। ऐ भरत जी की महिमा क्या, मैं भरत जी की महिमा की परछाई को भी स्पर्श नहीं कर सकता। सो मति मोर भरत महिमा ही कहे काह छल छुवत न छाही। कहते हैं देवी, पूरे संसार में भरत जी की महिमा को केवल एक व्यक्ति जानते हैं, और वो कौन है, तो उनके बड़े भैया राम जी हैं। केवल राम जी ही हैं जो भरत जी की महिमा को जानते हैं, और राम जी भी केवल जानते हैं। जब बात कहने की आएगी तो भरत जी की महिमा को राम जी भी कहने में सक्षम नहीं है, इतना अपार भरत चरित्र है। मैं जहां तक जानता हूं, भरत जी वही करेंगे जो उनके भैया राम कहेंगे, इसलिए आप भरत जी के प्रति निश्चिंत रहिए।